नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली है वो संपन्न हो गई है, और इस रैली के बाद है आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और जो युवा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी करने की इच्छा थी इनकी, वो सेल्फी तो नहीं हो पाई लेकिन कटआउट ज़रूर मिल गया है नरेंद्र मोदी का, जिसके साथ ये युवा है वो सेल्फी ले रहे हैं। मैं युवाओं से चर्चा करूंगा क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हरियाणा में 12 मई को चुनाव होने हैं, इस चुनाव को लेकर के क्या माहौल है इस इलाके में, और आज नरेंद्र मोदी की रैली थी। ये कहूंगा कि सिरसा और हिसार दो लोकसभा क्षेत्र हैं जो बड़े लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ आज नरेंद्र मोदी की रैली थी। इस रैली के बाद कितना समीकरण बदलेगा मैं गाँव के लोगों से चर्चा करूंगा। सर क्या नाम आपका? जगदीश कुमार, अबूबशर से। मैं तो जी मोदी का बड़ा फैन, अब इतनी दूर आया एक आदित्य गला रहा मोदी का। रैली के बाद कुछ समीकरण बदले? समीकरण बदल रहे, बस मोदी को नाम लो बेड़ो पार है। मोदी देश खातर की करने लग रहे, अपने पब्लिक ने मोदी जो को गद्दार है नी वो तो दई दूसरी पार्टी ने वोट, और जो को देश भगत है वो मोदी ने वोट दई। सर जो एक भाई भाई सर, सुनील नाम है मेरा, फतेहाबाद से हूँ मैं। मेरा ये मानना है बीजेपी का कि बहुजन से लेके महाजन तक की कदर करने वाली अकेली बीजेपी पार्टी है। बिल्कुल। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ जी, संदीप कुमार गांव। तो रैली के बाद समीकरण बदलेंगे? रैली के बाद समीकरण बदलेंगे? हाँ, ये तो जाहिर है कि समीकरण बदलेंगे, और आज 90% जो झुकाव हो गया मोदी जी के आने से बीजेपी की, जो हमारे प्रत्यक्ष है। रैली में आप आए हो, रैली में मोदी की कौन सी बात आपको जो दिल को छू गई, ऐसी कोई बात कही उन्होंने? मोदी की हर बात ही दिल छूने वाली है, खास बात सभी सारी खास बात ही है जी मोदी की। हर पूरा छप्पर फाड़ गया होगा, 450 सीट आएगी जी, 90% पर देवीलाल है जी। वो सिरसा जिला गांव शेरपुरा, हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश है। देश में न जातिवाद है न करप्शन है। रैली के बाद समीकरण बदलेंगे आप? सर राम कुमार नाम है मेरा, भ्रष्टाचार खत्म कर दियो सर, और सब 90% मतलब हम मोदी के साथ है जी। कृषि प्रधान देश है जी, और किसानों के लिए है, ये किसान ही देश को जिताएंगे, और किसान के साथ सब नथी है जी। सर जी राजेश कुमार है जी, क्या लग रहा है समीकरण बदलेंगे सर रैली के बाद? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा सर, इससे समीकरण चेंज होंगे। अभी कुछ मान लो रैली की है, इसका 99% फर्क पड़ेगा भाजपा की तरफ से। सर जी मेरा नाम अमरीक सिंह है, रत्ताखेड़ा गांव है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बार बार मोदी सरकार आनी चाहिए, ऐसा विकास कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा विकास हुआ भारत माता की। हाँ जी, मेरा नाम संजय कुमार है। बहुत भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में लहर चल रही है, और 100 सीटें जीतेगी। रैली के बाद कुछ समीकरण बदलेंगे? सारे 100% बदलेंगे, एकदम सारे पूरे हरियाणा में बदलेंगे जी। बीजेपी जीतेगी हर सीट। राजेंद्र जी, कहाँ से आप आए? नाडोड़ी से जी। तो इस रैली के बाद बदलेंगे समीकरण कुछ? पूरा संभावना जी। चार लोकसभा क्षेत्र है जो भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, इस बार नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली है, रैली के बाद क्या लग रहा है समीकरण बदलेंगे? 100% जीते हैं विजेंद्र जी। जी मैं हिसार से हूँ, मतलब गांव सलेमगढ़ से, और कुलदीप, हाँ, और कुलदीप बिश्नोई के 50 वोट भी नहीं है जी। पूरा समीकरण बदल चुका है हर, फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने जी भजनलाल जी थे उनका गढ़ था आदमपुर, वो लोगों के बीच में रह करते, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने किसी से कोई ना मिले, किसी से ना किसी से कोई हालचाल पूछा, ना कभी किसी को संभाला, गढ़ नहीं संभाल पाए। हाँ जी, गढ़ नहीं संभाल पाए, और मोदी सरकार ने जी पूरा काम किया है हरियाणा, हरियाणा में खूब काम किया। हिसार के रहने वाले दुष्यंत चौटाला ने भी किया हो कुछ काम? कुछ नहीं लगाई दुष्यंत चौटाला ने, कुछ नहीं लगाया जी, सिर्फ बीजेपी ने काम किया है, और 2019 में बीजेपी आएगी। मोदी जी का, मेरा नाम रितेश लंबोरिया है, मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि हमारे सिरसा लोकसभा के लिए उन्होंने भैंस सुनीता दुग्गल को भेजा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस उनके अभियान के तहत उन्होंने भैंस सुनीता दुग्गल को मौका दिया, और पूरे हरियाणा में एक मात्र समीकरण बदलेंगे इस रैली के। बढ़िया समीकरण है। सिरसा जो इनेलो का गढ़ माना जाता है, सिरसा में इनेलो के सांसद है, हिसार में ये कहेंगे कि चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ में नरेंद्र मोदी की रैली कितना असर डालेगी? मोदी की रैली ने एक तरफा कर दिया है, और सारा माहौल एक तरफ मोदी के नारों से गूंज रहा है। और जय वीर जी, क्या मोहल्ला चुनाव को लेकर, और इस सब रैली समीकरण बदलेगी? खूब जी, अच्छा
दुगल जीतेगी जी फुल वोटों से। फुल वोटों से जीतेगी। पहले सुभाष है जी, सुभाष सिद्धु है जी, गांव डाबी खुर से। हमारे गांव में पहले चौटाला के वोट हो गए एक तरफे, आज दुगल के एक तरफे हो रही है जी। ऐसा क्यों है, चौटाला को क्यों छोड़ रहे हैं लोग? वे तो फांट गए आप श्री में जी, ठीक है, चौधर का कतर है और कार्यकर्ता ना सुनी ना राय ली जी, ठीक है। और अब मोदी ने इतना बढ़िया काम कर किसानों के लिए, मजदूर के लिए, हर वर्ग के लिए। नौकरियां मिलेगी आपके गाँव में? हाँ, नौकरी। राजेश कुमार है जी, गाँव जांडवाला बागड़ से। मेरे गांव के अंदर डी ग्रुप में 10 कैंडिडेट मान लो लगे हैं नौकरी के अंदर, बिना किसी पैसे के लगे हैं, अपनी मेरिट के आधार पर लगे हैं। इससे युवा के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो मेरिट के आधार पर हमारी नौकरी पक्की है सर। और बहुत बढ़िया खट्टर सरकार और मोदी सरकार किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रही है सर। बिल्कुल पारदर्शी। मोदी मोदी सरकार आएगी जी इस बार, मोदी सरकार आएगी। क्या कहा मोदी ने, बड़ी बात क्या कही इस रैली में? मोदी की ईमानदार सरकार है जी, ईमानदारी सबसे ऊपर है जी, और ईमानदारी खट्टर है। मोदी साहब ने किसानों के लिए कहा जी, और जो छोटे दुकानदार है और जो छोटे किसान है उनके लिए भी साल में 3 बार उनके खाते में पैसे आएंगे, और बहुत योजनाएं। 15 लाख नहीं आए किसी के खाते में? 15 लाख जी को, वो तो जी काला धन, वो मैं जवाब देता हूँ मेरी बात। सर ईमानदारी से काम होता रहे सर, ईमानदारी कुछ भी ना मिले सर। बार मोदी सरकार 2000 रुपया है ना मोदी के, ये भी बहुत किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ भी नहीं मिले, मैं एक बार सर ईमानदारी से काम होता रहे, यही हमारे लिए 15 लाख है, यही हमारे लिए 15 लाख है, हमारा देश बचेगा। 15 लाख का क्या करें सर जी, मोदी सरकार, मोदी सरकार काला धन लाने, मोदी सरकार जिंदाबाद। एक बार रुकिए, मोदी सरकार काला धन लाने का पूरा प्रयास कर रही है, और जैसे पूरा काला धन आ जाएगा 15 लाख। 5 साल में नहीं आया काला धन, तो आपको क्या लगता है 10 साल में आ जाएगा? तो आप ये भी बोल सकते हो, ये तो आप ये भी बोल सकते हो, कांग्रेस सरकार जेल में नहीं आई लेकिन जेल के दरवाजे तक ले आए, और इस 5 साल में काला धन भी आएगा और कांग्रेस सरकार जेल में भी जाएगी, और हर किसान का खाता 15 लाख रुपए भी आएंगे फिर एक बार मोदी सरकार। ऐसे है भाई साहब, सरकार एक नंबर, ये बीजेपी सरकार है एक नंबर, बीजेपी सरकार। आप आए हैं ये सरकार 20? आप कहाँ से आए हैं? हम धांगड़ से है, हमारे महात्मा का कहना है कि ये सरकार हिंदुस्तान के अंदर, धांगड़ तो चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है वहाँ, ये सरकार 20 साल रहेगी, 20 साल का वादा है इस बीजेपी सरकार का हिंदुस्तान के। फेल हो गए वो, ऐसा क्यों होगा? भजनलाल ने तो कुलदीप, उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की थी, रिश्वत खोरी उनकी देन है, हाँ इसीलिए उनको लोगों ने। भाई साहब कुलदीप ने भजनलाल कही थी अगली सरकार में पहली बार रह जा, अब जित भी नहीं रहा, अब की बार फिर सरकार में गया, अब के फिर जूत लगेंगे उसके, फिर जूत लगेंगे। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इस दुगल जी को, अच्छे वोट देना भाइयों, सभी भाइयों से अपील है, और मोदी सरकार अपील नहीं, नहीं प्रचार नहीं। हाँ जी, तो ये थे मेरे साथ इस जो आसपास के जो लोग हैं जो रैली में पहुंचे थे, विजय संकल्प रैली के बाद की तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं फतेहाबाद की। और आज यहां सिरसा और हिसार लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली की है, और लोगों का कहना है कि इस रैली के बाद निश्चित तौर पर यहाँ से समीकरण है वो बदलेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।